खबर आपको देंगे। नैब ने साबिक एसएसपी सीआईए मोहम्मद उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब ने जुलाई 2018 में मोहम्मद उमर विर्क के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज किया था। उमर विर्क पर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में करप्शन करके करोड़ों रुपए की जायदादें बनाने का इल्जाम था। नैब ने एलडीए और दीगर महकमों को तहकीकात के लिए मरासले भी लिखे, लेकिन कुछ भी ना मिल सका। उमर विर्क को जब भी नैब ने बुलाया, मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ कमेटी के सामने पेश हुए। नैब ने साबिक एसएसपी सीआईए मोहम्मद उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि नैब ने जुलाई 2018 में मोहम्मद उमर विर्क के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज किया था। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पे कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसकी सरबराही चेयरमैन जस्टिस टाइट जावेद इकबाल ने की। इस इजलास में नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मोहम्मद उमर विर्क साबिक एसएसपी सीआईए के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। और नैब में जो इस बोर्ड के इजलास में ये नैब लाहौर की जानिब से तफसीली बयान किया गया कि इनके खिलाफ 2018 को मोहम्मद उमर विर्क के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज किया था और उमर विर्क पर इल्जाम था कि उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में हुकूमत में करप्शन करके लाहौर में करोड़ों रुपए की जायदादें खरीदी थी और जायदादें बनाई हैं। नैब ने इस हवाले से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेप्टी कमिश्नर समेत दीगर महकमों को तहकीकात के लिए मरासले भी लिखे, लेकिन वहां से कुछ ना मिल सका और तमाम रिकॉर्ड में ये क्लियर करार पाए हैं। नैब ने मरासले में उमर विर्क से मुतलिक 5 साल जमीन की खरीदारी और फरोख्त से मुतलिक रिकॉर्ड भी मांगा था, लेकिन तमाम तर रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए नैब लाहौर की जानिब से ये सिफारिश की गई थी और फिर जो नैब का बोर्ड था उन्होंने तफसीली देखने के बाद उमर विर्क के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। उमर विर्क को जब भी नैब में बुलाया गया, मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ कमेटी के सामने पेश हुए। तमाम रिकॉर्ड उनसे उन्होंने जो मांगा वो फराहम किया गया और उमर विर्क ने तहरीरी तौर पर भी नैब की तहकीकती टीम को अपना जवाब जमा करवाया था। दौरान सर्वस उमर विर्क के असासों में नुमाया कमी भी देखने में आई है, जबकि जो इल्जाम लगाए गए थे उमर विर्क पर, जो दरखास्तें दायर की गई थी, वो मुकम्मल तौर पर फेक, जाली, बेबुनियाद करार पाई। और अगर इसके हवाले से जो रिकॉर्ड नैब के सामने पेश हुआ और नैब के रिकॉर्ड जराये से जो दुनिया न्यूज को मौसूल हुआ, उनके मुताबिक उमर विर्क के दादा की 10 मुरबा जरिए जमीन थी जिसके 2 बेटे थे और जो उमर विर्क के ताया और वालद को 5-5 मुरबा जमीन तकरीबन वरासत में आई थी, जिसमें से 1976 में उमर विर्क और उनकी वालदा के नाम 169 कनाल 15 मरले जरिए जमीन जो है और एक कोठी जो है वो उनके नाम मुंतकाल करती थी और एक 14 मरले प्लॉट वाक्य जो शेखुपुरा सिटी में था वो उनके वालद ने 1981 में इनको गिफ्ट किया गया था। इसी तरह उमर विर्क क्योंकि इंतहाई मेहनती, दयानतदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर समझे जाते थे और महकमा पुलिस में अच्छी कारकर्दगी से इन्होंने अपना नाम पैदा किया था। उमर विर्क ने अपनी सर्विस में बड़े खतरनाक मुजरमान को कानून के कटहरे में लाने का इरादा किया था, बल्कि ऐसे इश्तिहारी और खतरनाक मुजरमान जिनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हेडमनी मुकर्रर की गई थी को कैफले किरदार तक भी पहुंचाया था और कानून के शिकंजे में जकड़ा, जिसकी वजह से तकरीबन 4 करोड़ से जायद के इनामात महकमे से वसूल कर चुके हैं। और उमर विर्क के का जो खौफ है वो दहशतगर्दों, करप्ट अनासिर और खास तौर पे जो इश्तिहारी दहशतगर्द अनासिर थे, वो उमर विर्क का खौफ जो है वो उनको समझा जाता था और उन्होंने बर्बाद एक्शन लेते हुए कई जो है जराइम की शरह में जो है वो काफी कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी किए। उमर विर्क ने आज जो नैब की जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें ये वादे लिखा गया है कि आज तक कोई करप्शन ना की और ना शिकायत में कोई सबूत सामने नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, हमें अपडेट कर रहे थे।